नमस्कार, आज हम वर्ड कोअर्सिव का हिंदी में अर्थ जानेंगे। कोअर्सिव का हिंदी में अर्थ होता है बलपूर्वक, अनिवार्य, रोकने वाला। इंग्लिश में कोअर्सिव का मतलब होता है यूजिंग फोर्स टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग, लोगों को कुछ करवाने के लिए फोर्स को अप्लाई करना। इसके सिनोनिम वर्ड हैं फोर्स्ड, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी। इसके एंटोनिम वर्ड हैं चूजन, इलेक्टिव, वॉलंटरी। सेंटेंस में इसका मीनिंग होता है अथॉरिटी इज डायरेक्शनल इंस्टीड ऑफ कोअर्सिव। अथॉरिटी डायरेक्शनल होती है बजाय फोर्सफुल या बलपूर्वक होने के। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम डिस्टिंक्शन वर्ड का हिंदी में अर्थ जानेंगे। डिस्टिंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है भेद, विशिष्टता, अंतर, विशेष सम्मान। इंग्लिश में डिस्टिंक्शन का मीनिंग होता है ए डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है वो है डिस्टिंक्शन। इसके सिनोनिम वर्ड हैं डिस्क्रिपेंसी, डिवीज़न। इसके एंटोनिम वर्ड हैं एग्रीमेंट, हारमोनी। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा शी पास्ड द एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन, उसने विशेष योग्यता से एग्ज़ाम को पास किया। थैंक यू। नमस्कार, आज हम डिस्टिंक्शन वर्ड का हिंदी में अर्थ जानेंगे। डिस्टिंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है भेद, विशिष्टता, अंतर, विशेष सम्मान। इंग्लिश में डिस्टिंक्शन का मीनिंग होता है ए डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है वो है डिस्टिंक्शन। इसके सिनोनिम वर्ड हैं डिस्क्रिपेंसी, डिवीज़न। इसके एंटोनिम वर्ड हैं एग्रीमेंट, हारमोनी। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा शी पास्ड द एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन, उसने विशेष योग्यता से एग्ज़ाम को पास किया। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वोकैबुलरी वर्ड है इन्वर्जन। इसका आज हम हिंदी में अर्थ सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस में यूज़ यहाँ पर जानेंगे। इन्वर्जन का हिंदी में अर्थ होता है उलटना, पलटना, उल्टा करना। इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है चेंज द ऑर्डर ऑफ टू थिंग्स, किसी दो चीज़ों का ऑर्डर चेंज कर देना, उल्टा कर देना। इसके सिनोनिम वर्ड हैं अपोजिट, कॉन्ट्रेरी, रिवर्सल। इन सब का अर्थ भी होता है उल्टा करना। इसके एंटोनिम या विपरीत अर्थ वाले वर्ड हैं सिक्वेंस, ऑर्डर, ऑर्डर में होना, सिक्वेंस में होना। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा एन इन्वर्जन ऑफ द रोल्स ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड, यदि पेरेंट और चाइल्ड के रोल को उल्टा कर दिया जाए तो। थैंक यू। नमस्कार, आज का हमारा वर्ड है फोरकास्ट और आज इसका हम हिंदी में अर्थ यहाँ पर जानेंगे। फोरकास्ट का हिंदी में अर्थ होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका स्टेटमेंट। फोरकास्ट के सिनोनिम वर्ड हैं प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट। इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं रिकलेक्ट, रिकॉल। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा द वेदर फोरकास्ट से देयर विल बी रेन, मौसम की जो फोरकास्ट है उसमें बताया है कि रेन होगी, बारिश होगी। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वर्ड है औथ और आज इसका हम हिंदी में अर्थ यहाँ पर जानेंगे। औथ का हिंदी में अर्थ होता है कसम, शपथ, सौगंध। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल प्रॉमिस, एक औपचारिक वादा। इसके सिनोनिम वर्ड हैं प्लेस, बो। औथ के एंटोनिम या विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं ब्लेसिंग। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा आई विल नॉट ब्रेक माई ओथ टू यू, मैं अपनी जो कसम है जो मैंने तुमको दी थी उसको नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार, हमारा आज का वोकैबुलरी वर्ड है रिवाइव। आज इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पर हम जानेंगे। हिंदी में रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना, पूर्व रूप में लाना, सजीव हो जाना।
इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है टू रिटर्न टू लाइफ। इसके सिनोनिम वर्ड या समान अर्थ वाले वर्ड होंगे रिपेयर, रिजुविनेट, रिनोवेट, रिस्टोर। रिवाइव के विपरीत अर्थ वाले शब्द या एंटोनिम होंगे डिस्करेज, अपसेट और डिप्रेस। इसका सेंटेंस में यूज़ होगा द इकोनॉमी इज़ बिगनिंग टू रिवाइव, जो अर्थव्यवस्था है वो वापस से पुनर्जीवित होना उसने प्रारंभ कर दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वर्ड है क्वैश और आज इसका हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। इसके समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द और सेंटेंस में यूज़। हिंदी में क्वैश का अर्थ होता है कुचलना, खारिज करना, दबाना, मिटाना। इंग्लिश में क्वैश का मीनिंग है टू स्टॉप और डिफीट समथिंग बाय फोर्स, बल के द्वारा किसी चीज़ को स्टॉप करना या किसी को डिफीट देना। इसके सिनोनिम वर्ड हैं या समान अर्थ वाले वर्ड हैं क्रश, रिप्रेस, सप्रेस मीन्स दबाना। इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द या एंटोनिम हैं लेट गो, स्टार्ट और सपोर्ट। सेंटेंस में क्वैश का यूज़ होगा शी अप्लाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू क्वैश द ऑर्डर, उसने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई किया जिससे कि वह ऑर्डर को मिटा सके या दबा सके। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वर्ड है रूल आउट। आज इसका हम हिंदी में अर्थ यहाँ जानेंगे। रूल आउट का हिंदी में अर्थ होता है हटा देना, निकाल देना, अलग करना, बर्खास्त कर देना। रूल आउट का इंग्लिश में मीनिंग होता है एक्सक्लूड, एलिमिनेट। इसके सिनोनिम वर्ड हैं या समान अर्थ वाले वर्ड हैं प्रोहिबिट, डिसमिस, सस्पेंड। इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द या एंटोनिम हैं एक्सेप्ट, अलाउ, अप्रूव। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा रूल आउट ए मिस स्पेल वर्ड, जो मिस स्पेल वर्ड है उसको अलग कर दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वोकैबुलरी वर्ड है आइडेंटिफाइड। आज इसका हम हिंदी में अर्थ यहाँ जानेंगे। हिंदी में आइडेंटिफाइड का अर्थ होता है पहचाना हुआ, निर्धारित। इंग्लिश में आइडेंटिफाइड का मीनिंग होता है टू रिकॉग्नाइज समवन और समथिंग। इसके सिनोनिम वर्ड हैं डिटेक्टेड, डिस्कवर्ड। इसके एंटोनिम या विपरीत अर्थ वाले वर्ड हैं अनडिस्कवर्ड, अनएक्सप्लोर्ड। सेंटेंस में आइडेंटिफाइड का यूज़ इस तरह से होगा शी हैज़ आइडेंटिफाइड एज द प्राइम सस्पेक्ट, वो पहचानी गई है प्राइम सस्पेक्ट के रूप में। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, आज हम लिंगरिंग वर्ड के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, सिनोनिम एंटोनिम क्या होते हैं। लिंगरिंग का हिंदी में अर्थ होता है आलसी, सुस्त, विलंब करने वाला। लिंगरिंग का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू स्टे समवेयर लॉन्गर देन इज नेसेसरी। लिंगरिंग के सिनोनिम वर्ड या समान अर्थ वाले वर्ड हैं परसिस्टेंट, स्टबबॉर्न। लिंगरिंग के विपरीत अर्थ वाले शब्द या एंटोनिम हैं ट्रांजिएंट या टेम्परेरी। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए लॉन्ग लिंगरिंग प्रोसेस, ये एक लंबी विलंब करने वाली प्रोसेस नहीं होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, आज हम वोकैबुलरी वर्ड एंड बॉय के बारे में जानेंगे। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसके समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले वर्ड क्या होते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है दूत, राजदूत, विशेष दूत, प्रतिनिधि। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु कैरीज मैसेज, जो कि मैसेज ले जाता है। इसके सिनोनिम वर्ड हैं मैसेंजर, एम्बेसडर, एजेंट। इसके एंटोनिम वर्ड हैं रिसीवर।
सेंटेंस में यूज होगा स्पेशल पीस एंड वॉर वॉज सेंट टू द एरिया, एक विशेष शांति दूत भेजा गया उस पर्टिकुलर एरिया में। वीडियो भी पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नमस्कार, आज हम रेन इन का हिंदी में अर्थ यहाँ पर जानेंगे। हिंदी में रेन इन का मतलब होता है रोकना, लगाम खींचना। रेन वो एक स्ट्रिप होती है जो कि घोड़े को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको लगाम खींचते हैं, इसलिए इसका अर्थ है रोकना या लगाम खींचना। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा वी ट्राई टू रेन इन आवर एक्साइटमेंट, हमने कोशिश की हमारे एक्साइटमेंट को रोक लगाने की या लगाम लगाने की। थैंक यू। नमस्कार, आज हम लिंगरिंग वर्ड का हिंदी में अर्थ जानेंगे, इसके सिनोनिम, एंटोनिम एंड सेंटेंस में यूज़ किस तरह से होगा ये भी जानेंगे। लिंगरिंग का हिंदी में अर्थ होता है आलसी, सुस्त, विलंब करने वाला। लिंगरिंग का मतलब इंग्लिश में होता है टू स्टे समवेयर लॉन्गर देन इज नेसेसरी, कहीं पर ज़्यादा देर तक ठहरना जबकि जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा। इसके सिनोनिम वर्ड हैं परसिस्टेंट, स्टबर्न। इसके एंटोनिम वर्ड हैं या विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं ट्रांजिएंट, टेम्परेरी। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए लॉन्ग लिंगरिंग प्रोसेस, ये एक बहुत लंबी विलंब करने वाली प्रोसेस नहीं होने जा रही है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वर्ड है रिनेसांस, इसका आज हिंदी में अर्थ जानेंगे हम। हिंदी में इसका अर्थ होता है नव जागरण, पुनर्जागरण, नव युग, नव चेतना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ए न्यू बर्थ। इसके सिनोनिम होंगे रिजुविनेशन, रिन्यूअल। इसके एंटोनिम वर्ड होंगे डिस्ट्रक्शन। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा फोक म्यूजिक इज करंटली एंजॉइंग रेनेसांस, फोक म्यूजिक अभी नव जागरण से गुजर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वर्ड है एडिशन। एडिशन का आज हम हिंदी में अर्थ सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस में इसका यूज़ क्या होगा वो जानेंगे। एडिशन का हिंदी में अर्थ होता है संस्करण, छपाई, प्रकाशन, भाग। एडिशन का मीनिंग इंग्लिश में होता है वन ऑफ द सीरीज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द बुक या फिर न्यूज़पेपर। एक सीरीज चलती है जिसमें बुक प्रिंट होती हैं, उस सीरीज में से एक पार्ट कहलाता है उसका एडिशन, जैसे कि फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। इसके सिनोनिम वर्ड होंगे या समान अर्थ वाले वर्ड होंगे कॉपी, वर्जन, पब्लिकेशन। सेंटेंस में इसका यूज़ इस तरह से करेंगे द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक बाद पब्लिश्ड इन 2009। इस बुक का जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 2009 में और अब इसका अगला कई एडिशंस आ चुके हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज का हमारा वर्ड है लेग्जिटी और आज इसका हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। इसके समान अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द और सेंटेंस में इसका यूज़ कैसा होगा ये जानेंगे। लेग्जिटी का हिंदी में अर्थ होता है ढिलाई, ढील, शिथिलता या बेपरवाही। लेग्जिटी का इंग्लिश में मीनिंग होता है ए टेंडेंसी ऑफ बीइंग टू इजी गोइंग, इजी गोइंग में सब कुछ करना। इसके सिनोनिम या समान अर्थ वाले वर्ड हैं लीनियंसी, इनडिसीजन, केयरलेसनेस। इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द या एंटोनिम हैं अटेंशन, केयरफुलनेस। सेंटेंस में इसका यूज होगा द प्रॉब्लम वॉज द लेग्जिटी इन माई जॉइंट, समस्या ये थी कि मेरे जॉइंट में शिथिलता आ गई थी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, आज का हमारा वर्ड है डिसेंट और इसका आज हम हिंदी में अर्थ सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस में यूज़ यहाँ पर जानेंगे। डिसेंट का हिंदी में अर्थ होता है अस्वीकार, असहमति, विरोध करना, मतभेद।
डिसेंट का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू डिफर इन ओपिनियन स्पेशली फ्रॉम द मेजोरिटी, मेजोरिटी से अलग ओपिनियन रखना। इसके सिनोनिम के समान अर्थ वाले वर्ड हैं डिफर, डिसएग्री, अपोज। डिसेंट के एंटोनिम या विपरीत अर्थ वाले वर्ड हैं एग्री, एक्सेप्ट। सेंटेंस में इसका यूज होगा द यूनियन इज गोइंग टू डिसेंट विद द मैनेजमेंट ऑफर। जो मैनेजमेंट का ऑफर है उससे यूनियन विरोधी होने जा रही है, अलग होने जा रही है। थैंक यू। नमस्कार, आज हम डिसेंटर वर्ड का हिंदी में अर्थ जानेंगे। डिसेंटर का अर्थ होता है विरोधी, भिन्न मतावलंबी, मत विरोधी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पीपल हु डोंट एग्री विथ समथिंग, वो व्यक्ति जो कि किसी चीज़ से सहमत नहीं हो, जिससे बहुत सारे लोग सहमत हों लेकिन वो नहीं हो, तो उसको कहते हैं डिसेंटर। डिसेंटर के सिनोनिम वर्ड या समान अर्थ वाले वर्ड हैं प्रोटेस्टर, रेवेल, जिनका अर्थ होता है विरोधी। इसके एंटोनिम शब्द हैं बिलीवर, जो किसी में विश्वास करता है। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा द डिसेंटर्स ऑफ द मीटिंग वर शाउटेड डाउन, जो विरोधी थे मीटिंग में वो चिल्लाए। धन्यवाद। नमस्कार, आज का हमारा वर्ड है रिजिक, और इसका हम हिंदी में अर्थ जानेंगे। रिजिक का हिंदी में अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, अदल बदल। रिजिक का इंग्लिश में मीनिंग होता है रीअरेंज, वापस से किसी चीज़ को अरेंज करना। रिजिक के सिनोनिम वर्ड हैं रीऑर्गेनाइज, रिफॉर्म, रीएडजस्ट। इसके एंटोनिम वर्ड हैं स्पॉइल, मिसमैच, डिस्ट्रॉय। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा वी शुड रिजिक द अरेंजमेंट इन अदर वे, हमको अरेंजमेंट को और तरीके से उसमें अदल बदल करनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, आज का हमारा वोकेबुलरी वर्ड है ट्रेंचेंट, और इसका हिंदी में अर्थ आज हम आप जानेंगे। ट्रेंचेंट का हिंदी में अर्थ होता है तीखा, प्रभावशाली, मर्मभेदी या पैना। ट्रेंचेंट का मीन इंग्लिश में होता है फोर्सफुल एंड क्लियर, शार्प। इसके सिनोनिम वर्ड हैं पेनेट्रेटिंग, पॉइंटेड। इसके एंटोनिम या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं ब्लंट, ब्लैंड, डल। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा शी वॉज वेरी ट्रेंचेंट इन हर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के प्रति जो उसकी क्रिटिसिज्म थी उसमें बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। थैंक यू। नमस्कार, हमारा आज का वोकेबुलरी वर्ड है रो ओवर, इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। रो ओवर का हिंदी में अर्थ होता है झगड़ना, झगड़ा। इंग्लिश में रो ओवर का मीनिंग होता है टू आर्ग्यू स्पेशली लाउडली। सेंटेंस में इसका यूज़ होगा माई फ्रेंड्स ऑलवेज रो ओवर मनी, मेरे जो दोस्त हैं हमेशा मनी के ऊपर झगड़ा करते हैं। धन्यवाद।